अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला ये है कि आज से भारत सरकार ने पबजी पर बैन लगा दिया है। और पबजी के साथ साथ 118 ऐप, उनमें टिकटॉक तो पहले बंद हो चुका है, लूडो है ये और पबजी है, ये सारी चीज़ें मिलाकर यानी मतलब 118 ऐप है, इन सबको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। मैं कुछ बताऊं इससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। हूँ एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारत सरकार ने पबजी समेत चीन के कुल 118 मोबाइल ऐप बैन कर दिए हैं। पबजी को बैन कर दिया गया है। प्रशांत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। प्रशांत, जिंदगी एक तरीके से बर्बाद कर रखी थी पबजी ने, पैसा बर्बाद होता था, जान चली जाती थी, गांव तक में। अब ये लॉकडाउन के चलते पबजी गेम जो है वो बहुत लोकप्रिय हो गया था, जो कि बहुत हानिकारक भी साबित हो रहा था। बहुत बड़ा फैसला सरकार का। इस पबजी का असर जो इस लॉकडाउन के अंदर पड़ा है वो बहुत ज्यादा पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर किसी को किधर जाना नहीं होता था, कोई काम धंधा नहीं होता था, तो जितने भी नौजवान मेरे भाई है सारे लोग पबजी के अंदर लगे रहते थे। और पबजी ने लोगों को अंदर से इतनी बुरी तरीके से खोखला कर दिया था कि कोई पबजी के बगैर रह ही नहीं सकता, इतना उसको उसका आशिक बना दिया, उतना इसको दीवाना बना दिया कि पबजी के बगैर कोई रह ही नहीं सकता। ये एक तरफ से खुशखबरी है और एक तरफ से बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस खबर के बाद पता नहीं मेरे बहुत सारे भाई कोई गलत कदम ना उठा ले, कोई डिप्रेस में ना चला जाए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला है और बहुत मेरे ख्याल से बहुत अच्छा फैसला है, ताकि बहुत सारी ज़िंदगी, बहुत सारे परिवार जो है वो किसी के भरोसे होता है। कोई घर का बड़ा लड़का है, वो कमा कर लाएगा तभी घर चलेगा, लेकिन वो कमाने के बजाय अगर पबजी के अंदर सारा दिन लगेगा तो कमाएगा किधर से, घर वालों को कहाँ से खिलाएगा। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि सिर्फ पूरे इंडिया के अंदर नहीं, सिर्फ आसाम स्टेट के अंदर जो बोर्ड का 10वीं का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद जो रिज़ल्ट आया उसमें 40% लड़के जो है वो फेल हो चुके हैं, वो फेल हो गए थे। उसकी वजह क्या है, अगर आप उसकी वजह निकाल कर देखोगे तो उसकी वजह सिर्फ ये पबजी है, क्योंकि पढ़ाई धंधा तो कुछ होता नहीं था, सारा दिन मोबाइल के अंदर पबजी खेलते रहते थे। ये भारत सरकार का बहुत बड़ा फैसला है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको यही बताने वाला था कि पबजी स्लो पॉइजन की तरह काम करता था, कि अंदर से इंसान को खोखला बना देता था, उसका आशिक, उसका दीवाना उसकी तरफ, अपनी तरफ खींचता था। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।